आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारा एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होगा और एक्सरसाइज 6.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि अगर लाइन AB और ये CD इंटरसेक्ट करती है O पर और एंगल AOC प्लस एंगल BOE मीन्स इस एंगल का सम और इस एंगल का सम जो है वो मेरे को 70 डिग्री दे रखा है, और इसके अलावा मेरे को ये दे रखा है कि एंगल BOT जो है ये 40 डिग्री के इक्वल है। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, मींस इस एंगल का सम और इस एंगल का सम मिलाकर कितना है 70 डिग्री। अच्छा मेरे को निकालना क्या है, और मेरे को इसके अलावा ये भी गिवन है दैट एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल BOE। सबसे पहले मेरे को कौन सा एंगल निकालना है, एंगल BOE, और इसके अलावा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स किसका, एंगल COE का। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मींस ये तीनों एंगल का सम अभी 180 के इक्वल होगा क्योंकि एक लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। दैट मींस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इनका जो सम है वो 180 के इक्वल है, बट एंगल AOC और BOE का जो सम दे रखा है वो मेरे को ऑलरेडी 70 डिग्री दे रखा है। दैट मीन्स 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल COE यहां से कितना आ जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। मीन्स मेरा यहाँ पर एंगल COE फाइंड आउट हो गया। अब CD एक लाइन है, नाउ CD इज अ लाइन। CD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और CD अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी मेरा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम भी मेरा किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। सॉल्व करते हैं, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल BOD कितना है मेरा, 40 डिग्री, ये गिवन है मेरे को। एंगल BOE नहीं पता तो इसकी जगह एंगल BOE इसी तरह से लिख देंगे। एंगल COE अभी है, मैंने निकाला कितना 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस 40 एंगल BOE प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मींस एंगल BOE कितना आ गया मेरा यहाँ पर, 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स मैंने एंगल BOE फाइंड आउट कर लिया जो मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था। अब मेरे को एंगल COE और उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो एंगल COE कितना है, एंगल COE जो मैंने निकाला वो है 110 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। दैट मींस रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। मींस इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें हमें सबसे पहले BOE पूछा था और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE पूछा था, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला क्या गया है, इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। मीन्स लाइन्स है कौन सी, एक्स वाई और एम एन, जो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, ओ पर इंटरसेक्ट करती है।
मैं फिगर बना देता हूँ, ये हमारी लाइन है एक्स वाई, और एक ये मेरी थोड़ी तिरछी सी लाइन है, ये क्या है एम एन। कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं ये? ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट आ गया, ये परपेंडिकुलर है। और ये मेरा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और ए रेशियो बी मीन्स ये जो एंगल्स हैं, ये एक ए है और ये एंगल है बी, उसका सम दे रखा है 2:3 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, मेरे को एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं किस तरह से करेंगे इसे। सबसे पहले एंगल एक्स ओ और ये है पी, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल एक्स ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अभी एंगल एक्स ओ पी को हम यही लिखा रहने देते हैं, और एंगल पी ओ वाई तो मेरे को 90 दे रखा है, तो प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 90 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरा एंगल एक्स ओ पी क्या आ जाएगा, एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एक्स ओ पी ए और बी से मिलकर बना हुआ है, एंगल एक्स ओ पी ए और बी से मिलकर बना हुआ है, और ए रेशियो बी मेरा किस फॉर्म में दे रखा है, 2:B के फॉर्म में। दैट मीन्स ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, तो इसका मतलब ए मेरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बी मेरा कितना हो जाएगा, 3x। दैट मीन्स इसको मैं सॉल्व करते टाइम क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स 5x किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। x इज इक्वल टू 90/5, 5 1 = 5, 5 8 = 40, 18। दैट मीन्स यहां से अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री, और b की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अच्छा, इसके बाद मेरे को ये MN एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। MN क्या है, MN इज अ लाइन, MN इज अ लाइन, और MN अगर एक लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू, एंगल बी प्लस एंगल ओ, एंगल सी सॉरी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी यहां पर मेरा किसके इक्वल आया, एंगल बी मेरा यहाँ आया है 54 डिग्री के इक्वल आया, किसके इक्वल आया यहाँ पर, 54। दैट मीन्स 54 प्लस, ये मेरा एंगल बी ही तो आया 18 × 3 = 54, ये 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, देन 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा हल्का सा अटपटा है, लेकिन टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो फिगर है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, किस तरह से, और इस फिगर में ये S है, ये Q है, ये R है, और ये है T और ये है P, ठीक है। अच्छा, इसमें गिवन है मेरे को, सबसे पहले क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR, एंगल PQR मींस ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, एंगल PRT के इक्वल है। अच्छा, मेरे को क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, यहाँ पर मेरे को ये प्रूफ करना है कि एंगल PQS मींस मेरा ये वाला एंगल जो होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मींस ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन है मेरा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ओके। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री,
दैट विल बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. दैट विल बी अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. मीन्स इसका भी सम 180 के इक्वल है, इसका भी सम 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे. दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट इट एज एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू. दैट मीन्स एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू. बट हियर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के इक्वल मेरे को गिवेन है. दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल गिवेन है. मीन अगर ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं, जैसे इसकी भी वैल्यू 40 है, इसकी भी वैल्यू 40 है, तो इसे इधर लेके जाऊंगा तो आपस में ये काट देंगे. ठीक है, तो मीन्स इससे ये कट जाएगा और एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव हो गया. ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना था. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. ये बहुत सिंपल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे किस तरह से प्रूव करेंगे. एक स्ट्रेट लाइन है ये, और ये इस तरह से निकला हुआ है, और ये है इस तरह से. ठीक है, तो ये है x, ये है y, और इधर है हमारा w, और इधर है z. और इसके अलावा मेरे को जो गिवन है वो बस इतना सा गिवन है दैट x plus y is equal to w plus में z. x plus y किसके इक्वल है यहाँ पर? W plus z के मेरा इक्वल गिवन है. एंड what we have to prove here? We have to prove that here AOB is a line. AOB that means A, here it is O and it is B. And we have to prove AOB is a line. Okay? Now coming to our proof. सॉल्यूशन वन को हटा देता हूं. ये प्रूफ, फर्स्टली हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? एंगल W प्लस एंगल X. ओके, वी शुड राइट इट एज एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W इज इक्वल टू 360. इज इट ओके? वाई शुड इट नॉट बी ओके? इन सारे एंगल्स का सम 360 होगा, बिल्कुल होगा. और x प्लस y जो है वो w प्लस z के इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ एंगल x प्लस एंगल y से w प्लस z को. तो एंगल w प्लस एंगल z प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360. That means angle W plus angle Z किसके इक्वल हो जाएगा? 2 नीचे जाएगा या 180 डिग्री हो गया. और यहां पर अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका 180 का ही तो एंगल बनता है. दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल अगर 180 के इक्वल है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज देयरफॉर AOB इज अ लाइन. एंड इन दिस वे वी हैव प्रूव दैट AOB इज अ लाइन. Now coming to the very important question of this exercise. इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर फाइव के आने के चांसेस जो है 80% होते हैं. Now what the question is? फिगर बना देते हैं सबसे पहले हम इसकी. फिगर इज पी ओ क्यू एंड हियर इट इज आर एंड इट इज आर एक्स.
Now, what is given here? What is given here? Given है मेरे को that POQ is a line. POQ सबसे पहले मेरे को एक line दे रखी है. Ray OR is perpendicular to PQ. Ray जो OR है, वो PQ के perpendicular है. इसके अलावा and OS is another line. OS is another ray. OS क्या है? एक और दूसरी ray है, जो कहाँ lie करती है? जो किसके बीच में lie करती है? OP and OR के बीच में कहीं भी lie करती है. बिल्कुल. ठीक है. Prove that. What we have to prove here? We have to prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. Okay? Now, coming to our proof. First of all, POQ is a line. POQ क्या है हमारी एक line है. That mean, और यहाँ पर POR और ROQ क्या है? आपस में इक्वल है. अगर ये 90 है तो बाकी का बचा हुआ ये भी तो 90 होगा. POR is equal to angle ROQ both 90. ठीक है. तो एंगल POR is equal to 90 डिग्री होगा और POR अगर 90 के इक्वल होगा तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम जो होगा वो 90 के इक्वल होगा कि नहीं होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल ROQ. ओके. एंगल POR को जो मैंने रिप्लेस कर दिया, एंगल POR को किससे रिप्लेस कर दिया? एंगल POS प्लस एंगल SOR से, क्योंकि इनका भी तो सब यहाँ पर किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें याद रखना है थोड़ा सा. क्या है? एड एंगल SOR बोथ साइड्स. हमें दोनों साइड्स SOR एंगल एड कर देना है. दैट मीन्स एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल ROQ प्लस एंगल SOR. एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR, दैट मीन्स एंगल POS प्लस टू एंगल SOR. और यहां पर ROQ और SOR को ऐड करूंगा. ROQ और SOR को ऐड, दिस एंगल प्लस दिस एंगल मीन्स इसमें अगर ये वाला एंगल मिलाऊंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, है ना? ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये पूरा एंगल बन के क्या हो जाएगा? एंगल QOS. ठीक है. अब यहां पर ये एंगल POS है, अगर उधर ले जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा. दैट मीन्स टू एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इसे इधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा. दैट मीन्स एंगल SOR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. ओके. तो यही मेरे को प्रूफ करना था. अब यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो कि यहाँ पर एंगल SOR ही क्यों ऐड गया. एंगल SOR बोलो या एंगल ROS, यही क्यों ऐड किया? इसके अलावा कुछ और ऐड कर देते? ये इसलिए ऐड किया क्योंकि राइट हैंड साइड में जो ROQ है उसको मेरे को क्या बनाना था? यहाँ पर QOS बनाना था. तो वो कब हो सकता था? जब मैं एंगल SOR ऐड करता. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन की फिगर हमें खुद से ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. फिगर इसमें नहीं दे रखी है तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को भी. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree. मेरे को यहाँ पर एंगल XYZ मैंने इस तरह से बना दिया. XYZ and XYZ here is 64 degree. Then XY is produced to point P. XY को produce कर दिया गया कहाँ? Point P तक. Point P तक produce किया गया.
ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब ये जेड वाई पी क्यू कोई एक रे यहाँ दे रखा है कि एक रे वाई क्यू है जो बाइसेक्ट करती है, मीन्स इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैंने ये बना दिया, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू मीन्स मेरे को ये पूरा एंगल निकालना है टू फाइंड। अब इसमें हम यहाँ क्या कर देते हैं, टू फाइंड क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स किसका, क्यू वाई पी का, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। मेरे को इतना फाइंड आउट करना है। हम सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन। ओके, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हियर इज एंगल एक्स वाई जेड प्लस, अच्छा मैं इन दोनों एंगल को एक्स और एक्स मान देता हूं, ठीक है। तो प्लस एंगल एक्स, प्लस एंगल एक्स बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। और ऐसा क्यों होगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एक्स और मीन्स ये बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यू। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई एक रे बिल्कुल बीच में से जा रही है एंगल की। दैट मीन्स एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल एक्स वाई जेड 64 प्लस 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 2 एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 64। 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 10 में से 4 किया 6, 7 में से 6 किया 1, 116 एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, 116 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 58 डिग्री। अब मेरे से पूछा क्या क्या गया, एंगल एक्स वाई क्यू पूछा गया। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। दैट मीन्स 804 12, 65 11, 112 दैट मीन्स 112 डिग्री। ये तो हमारा क्या हो गया, 84 12, 65 11, 12 सॉरी 122 डिग्री। और इसके अलावा मेरे को क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 में से माइनस करते हैं। 360 माइनस एंगल एक्स मेरा कितना है, 58 डिग्री। दैट मीन्स 302 डिग्री। आई होप ये एक्सरसाइज तुम्हें क्लियर हो गई हो। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है शाइनिंग हब के नाम से। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा मैं वो वहां पोस्ट करूंगा। सो प्लीज इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, देन लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।